मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, पठान के बाद बॉलीवुड की तीन मूवीज रिलीज हुई, सेल्फी, शहजादा एंड तू झूठी मैं मकार। और ऑडियंस को इन तीनों में से किसी पे बिलीव नहीं था, और ज्यादा ऑडियंस तो यही कह रही थी कि ये तीनों फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन गाइज, पठान की रिलीज डेट मतलब 25 जनवरी से ऑडियंस सेगमेंट में एक चीज जरूर थी कि यार भोला, अजय देवगन की भोला, ये कुछ ना कुछ कर सकती है, ये ब्लॉकबस्टर बन सकती है, ये हिट हो सकती है, अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। और गाइस, यही चीजें अजय देवगन और पूरी की पूरी भोला की टीम के माइंड में भी थी। इसीलिए गाइस, उन्होंने भोला की रिलीज डेट जो कि 30th of March है, उससे लगभग 15 दिन पहले कंप्लीट प्रमोशन स्टार्ट कर दी थी। और मजे की बात यह है कि कल दिन के टाइम एडवांस बुकिंग भी ओपन हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ 3D Max और 3D IMAX वगैरह जो बड़े बड़े थिएटर्स हैं उनमें ओपन हो गई थी। और मैं आपको अभी उन्हीं की रिपोर्ट देने वाला हूं कि कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, और आप लोग एवरेज टिकट प्राइस सुन के एक दफा हिल जाएंगे। भाई इतनी ज्यादा एवरेज टिकट प्राइस है, यस गाइस। और मैं आपको बता चलूं, 10 दिन रहते हैं अभी भी भोला को थिएटर्स के अंदर आने में, तो क्या सारा सीन है सब देखते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता हूं, चलो, भोला को सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है, और एक ही लैंग्वेज हिंदी के अंदर। 2D से अभी तक 0 एडवांस बुकिंग है क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई है, और स्टार्ट कब होगी 2D के अंदर, लगभग गाइस 7 दिन पहले, मतलब एक हफ्ता पहले। और अभी 10 दिन रहते हैं तो आप समझ ले कि 3 दिन बाद, आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे तक गाइस हर जगह पे आप कह ले भोला की एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल गाइस, 3D IMAX में इसकी एडवांस बुकिंग कल दिन के टाइम ओपन हो गई थी, और टोटल 45,000 की गई एडवांस बुकिंग हुई है। मे बी ये बहुत कम है, मैं रीजन बताऊंगा कि ये क्यों कम होती है। तो 3D IMAX में, IMAX 3D जैसे आप बोलते हैं, उसमें 45,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, टोटल 78 टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं, और गाइस एवरेज टिकट प्राइस है 532 करोड़ रुपीज की, 532 रुपए की। इस वजह से गाइस कम होती है, लेकिन देखें 532 रुपीज तो कम भी गाइस, अगर टिकट सोल्ड आउट हुई हो, कम भी एडवांस बुकिंग हुई हो, तो वो लेवल कर जाती है। क्योंकि एवरेज देखिए, 500 की गाइस अगर एक टिकट मिल रही है, और साथ अगर 2D में 100 रुपए की टिकट है, तो मतलब 2D की 5 टिकट्स आएंगी, और इधर गाइस IMAX की एक ही टिकट आ जाएगी, तो वो काम बराबर कर जाती है। तो सिचुएशन ये, मतलब 5 लाख अगर 2D की टिकट से सोल्ड आउट हो, और इधर गाइस अगर IMAX से सिर्फ 1 लाख टिकट भी सोल्ड आउट हो, तो सेम कलेक्शंस आती हैं, ये सिनेरियो होता है। और इसके साथ 3D 4DX, मतलब जो 4DX 3D होता है, 4DX 3D, उससे 23,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 43 टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं, और गाइस 4DX 3D में एवरेज टिकट प्राइस है 557। और नोट दैट, ये मैं एवरेज टिकट बता रहा हूं प्राइस की, मतलब कि सारा कुछ एवरेज निकाल के इतनी ही बनती है। अब होगा क्या, 4DX 3D में ये जो 43 टिकट सोल्ड आउट हुई है, इनमें कुछ की टिकट प्राइस होगी लगभग, आप कह ले 1000+, कुछ की टिकट प्राइस होगी लगभग 400 रुपीज, कुछ की होगी 600, कुछ की होगी 700। तो ये जब इनकी एवरेज निकलती है, तो वो होता है 557। यस गाइस, ये मत मान लीजिएगा कि हर टिकट 557, नहीं, कुछ 1000 के होंगे, कुछ 300, 350 के होंगे, 400 के होंगे, तो एवरेज इनकी जो आएगी वो 557 होगी। अब गाइस अगर मैं टोटल करूं, तो देखिए अभी लगभग 10 दिन पहले 68,000 की, yes guys, अभी जो अपडेटेड भोला की एडवांस बुकिंग हुआ है, 68,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, और गाइस टोटल 121 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। कैन यू बिलीव 121 टिकट्स, और गाइस 68,000 की एडवांस बुकिंग, और ये बहुत बड़ा जंप है। देखिए अभी जो मेन रीजन है ना 2D, वहां पे एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, हर जगह पे एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई, कई सारे IMAX के थिएटर्स हैं जहां पे अभी भी पठान चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं ना, पठान
शान को आईमैक्स की तरफ ही रिलीज किया जाना था, जिस वजह से उसकी कलेक्शन बहुत ज्यादा आई, आईमैक्स को बहुत टारगेट किया गया था। तो अभी कहीं ना कहीं पठान चल रही है, और याद रखिए जैसे जैसे भोला की रिलीज डेट करीब आएगी वैसे वैसे इसकी आईमैक्स, 3D आईमैक्स और 4DX 3D इनकी गई स्क्रीन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ेंगी तो एडवांस बुकिंग भी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि जितना मैंने एक्सपेक्ट कर रखा है कि 15-20 करोड़ नेट कलेक्शन आने वाली है, तो ये गलत नहीं होगा। अब देखिए मैं अगर ये कहूं कि इतना तो कंफर्म है ना, इससे ज्यादा कितना आ सकता है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो ये भी सीन हो सकता है। आप लोगों को भोला से कितनी गाइस एक्सपेक्टेशंस है, क्या आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो जा रहे हैं या नहीं, नीचे बताओ। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अगली वीडियो में रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।